हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आपका कूलर कम हवा फेंकता है या फेंकता ही नहीं है या हवा देता ही नहीं है? तो इसका सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जो कूलर होता है अपना, हवा कम फेंकने का क्या कारण है दोस्तों। इसका सोल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे दोस्तों, कि जो कूलर है हम लोगों का हवा कम क्यों फेंक रहा है, ठंडी हवा क्यों नहीं फेंक रहा है, उसका सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कूलर है इसमें देखिए कितना डस्ट बैठा हुआ है दोस्तों, इसकी जो घास पेट है उसमें मेन इसका घास पेट ही होता है दोस्तों। जितना डार्क घास पेट रहेगा उतनी कम हवा कूलर फेंकता है दोस्तों। जो मैं आपको बात बताने वाला था वो यही बात है दोस्तों, कि घास पेट को कभी भी डार्क नहीं होना चाहिए, घास पेट पतला होना चाहिए दोस्तों, और लगे तो जब भी गर्मी का समय आता है आपको बदल देना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा प्राइस उसका महंगा होता नहीं है, 50-60 रुपये मिल जाता है। अब इस तरह से इतना डार्क रहेगा दोस्तों, तो आप खुद सोच सकते कि जो फैन होता है कूलर के अंदर वो कहाँ से हवा को खींचेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस घास पेट को हम बदल देंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं पहले, और अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों कि ये कितना गंदा हो चुका है दोस्तों। तो जिस तरह से ये गंदा हो चुका है, इसके अंदर पूरी डस्ट बैठी हुई है दोस्तों, मिट्टी जो दिखती नहीं है हम लोगों को वो इसमें आके चिपक जाती है, फैन के माध्यम से फैन उसको खींच लेता है, जिस कारण से कूलिंग भी नहीं हो पाती है दोस्तों। जितना मतलब जो घास पेट होता है उसको लाइट ही रखना चाहिए, जिससे कि वो हवा को खींच पाए और ठंडा रूम कर दे। ये आप देख सकते हो दोस्तों कि कितना गंदा था ये। तो ये देखिए नया घास पेट लाया है मैंने, ये 60 रुपये में मिला है, आपके एरिया में कितने का है कमेंट में बताना। और अब ये नए टाइप का निकला है दोस्तों, इसके ऊपर ये एक नेट लगा हुआ पतला। तो चलिए पहले इसको साफ सफाई कर लेते हैं पहले इसकी, उसके बाद में उसको इसके ऊपर बिठा लेते हैं। अभी जून का महीना शुरू हो चुका है दोस्तों, गर्मी तो वैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो गर्मी कम हो ही जाएंगी, लेकिन बारिश अगर नहीं आई तो गर्मी बढ़ जाती है वापस से। तो चलिए इसको इसके हिसाब से अभी लगा लेते हैं यहाँ पे, और इस तार को यहाँ से कस लेते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों और जानकारी अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। जो पहला वाला नेट है दोस्तों, जो पहला वाला जो ट्रे है उसको मैं पूरा कंप्लीट करके बता देता हूँ। उसी प्रकार से तीन रहते हैं इसके अंदर, तो तीनों को मैं बारी बारी से आपको बता दूंगा। लगाने का तरीका दोस्तों सब में एक से रहेगा। तो ये पहला ट्रे जो है कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। देखिए जो नेट मैंने इसके अंदर लगाया, जो घास पेट लगाया है दोस्तों, ज़्यादा डार्क नहीं है तो इसके अंदर जो है हवा पास हो जाएंगी और हवा का फ्लो भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ये सेकेंड वाला मैंने ले लिया अभी, इसका हल भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों उसकी जैसा। तो ये हटा के अभी ये दूसरा इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं। ये फैन के पीछे वाला ट्रे है दोस्तों, जहाँ से हवा को खींचा जाएगा फैन के माध्यम से। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी प्रकार से अभी तीसरा वाला जो है वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। आप वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। ये तीसरा आ गया अभी, और इसको भी मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसको कूलर में लगा के और देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है दोस्तों। तो इसको यहाँ से टाइट कर लेते हैं फटाफट, और ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लगा दिया कूलर के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों ये चालू कर लिया है मैंने कूलर को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने वो बताया नहीं, तो लगाना तो सब में एक जैसे ही रहता है।
आप देख सकते हैं दोस्तों कितना पहला जो आपको बताया था उसमें कितना खराब था, और ये देखिए कितना लाइट है, एकदम बढ़िया तरीके से हवा को खींच रहा है। और ये पीछे के साइड का दोस्तों ज़्यादा डार्क नहीं है, तो हवा भी अच्छी तरीके से खींच रहा है और अंदर के साइड में फेंक रहा है दोस्तों। ये देखिए वाटर भी दिख रहा है मेरे को जाते हुए नीचे के साइड में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए आइडियाज और अनबॉक्सिंग करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में अगर थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।